दिल्ली दंगों में आरोपी जेएनयू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के कड़कड़दुमा कोर्ट ने उमर खालिद को न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। उमर खालिद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर था। उसके रिमांड अवधि आज 24 सितंबर को खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन अदालत ने खालिद को 10 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया था। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि 200 के करीब घायल हुए थे।